कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। जब भी मैं आता था मैं एक ही बात आप सबसे कहता था कि विश्वास करो मोदी जी पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। पार्टी ने इस बार 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के लिए ये लक्ष्य आसान नहीं है, इसीलिए पार्टी इस बार टिकट वितरण का खास ध्यान दे रही है। बीजेपी आलाकमान ने यूपी के लिए 100 दिनों की रणनीति तैयार कर ली है। इसकी औपचारिक घोषणा के बाद से लगातार 100 दिनों तक रोजाना कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी खुद संभाले हैं कमान। नए फॉर्मूले के तहत पार्टी की कसौटी पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 150 उम्मीदवारों के टिकट कटा तय है। वही नए उम्मीदवारों के नाम को लेकर लिस्ट बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जा रही है सीएम योगी खुद उनकी निगरानी कर रहे हैं। इन विधायकों को नहीं मिलेगा टिकट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार उन विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। उन उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके अलावा उन नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा जो अपने क्षेत्र में निष्क्रिय रहे हैं या फिर अनर्गल बयानबाजी से सरकार व संगठन को कटघरे में खड़ा किया है। यानी जिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में नंबर कमजोर हैं, वे इस बार फेल कर दिए जाएंगे। हारी हुई 84 सीटों पर फोकस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने चुनावों के लिए 100 दिन का प्लान तैयार किया है। इसके तहत सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को पिछले चुनावों में हारी हुई 84 सीटों की कमान सौंपी गई है। इन दोनों नेताओं का फोकस इन्हीं सीटों पर है और यहां इनकी विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही पार्टी और दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है।